हेलो फ्रेंड्स, ससुर टेक्नोलॉजी के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एयरडॉप्स 131 का अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे और उसका फुल रिव्यू करने वाले हैं। कुछ इसके प्राइस के बारे में जानेंगे और इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट करने वाले हैं और कुछ स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे इसके और इसके बैटरी बैकअप की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो के लास्ट में बने रहिए, करते हैं हम स्टार्ट, लेट्स गो। तो ये है बोट का एयरडॉप्स 131, तो इसको हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं इसे अनबॉक्सिंग। इसे ओपन करने के बाद एक और बॉक्स मिलेगा, इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद एयरड्रॉप्स 131 आपको मिलेगा, जो कि ट्रू वायरलेस एयरबड आपको मिलेगा। और इसकी बात करें तो आपको मिलेगा मेड इन इंडिया, जो कि बाय एन इंडिया ब्रांड आपको देखने को मिलेगा, जो कि टोटल प्लेबैक टाइम आपको 60 हावर को मिलेगा और आपको 13 mm का आपको ड्राइवर मिलेगा और आपको IWP टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट मिलेगा इसमें। चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद ये देख सकते हैं ये बोर्ड का केस मिल जाएगा, तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं बोट की ब्रांडिंग यहाँ पे शो हो रही है, देख सकते हैं बोट लिखा है यहाँ पे। तो इसको हम फिलहाल साइड में करते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। ये कुछ केस मिलेगा, तो इसको हम साइड में कर लेते हैं। और ये कुछ जो कि स्टिकर वगैरह आप देख सकते हैं, कैन डू एनी थिंग्स, बोट का बोट हेड, जो कि ये स्टिकर मिले हैं, तो इसे हम साइड में करते हैं और देख लेते हैं क्या इसमें है। इसमें एक डब्बा आपको देखने को मिलेगा, तो इस डब्बे को हम ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या है। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं जो कि टाइप सी पोर्ट आपको देखने को मिलेगा, इसमें चार्जर है, तो इस चार्जर को हम साइड में करते हैं और देखते हैं क्या है आगे। थैंक यू बोट हेड, जो कि रॉक एन इंडिया है, ये देख सकते हैं। यूजर मैनुअल है, अगर आप नहीं जानते हैं कि इसको बोट को कैसे यूज करना है एयरबड्स को, तो आप इसे रीड करके इसको देख सकते हैं कैसे कैसे यूज करना है आप। तो इसको हम साइड में करते हैं। और एक कार्ड वगैरह आपको मिलेगा और ये आपको वारंटी कार्ड वगैरह आपको देखने को मिलेगा, जो कि स्टिकर वगैरह, ये वारंटी कार्ड है। तो इसको हम साइड में करते हैं, सभी को साइड में करते हैं और करते हैं बोट की बात। तो चलिए हम इसको साइड में कर देते हैं। तो ये है हमारा एयरडॉप्स 131 और इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको मिल जाएगा 1000 का। मैंने इसे बिग बिलियन सेल जो चल रहा था उसी में मैंने ऑर्डर किया था, तो ये मुझे 800 पड़ा। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं, जो आप प्लास्टिक देख रहे हैं। जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं दो इंडिकेटर आपको दिखेंगे, जो कि यहाँ पे बैटरी चार्ज एनिमेशन आपको दिखाता है। यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग आपको देखने को मिलेगा और इसके चार्जिंग की बात करें तो इसका चार्जिंग टाइप सी पोर्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसको आप देख सकते हैं, ये प्लास्टिक का आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं ये जो है प्लास्टिक का मटेरियल इसमें यूज हुआ है। और म्यूजिक क्वालिटी की बात करें तो इसका ड्राइवर जो मिलेगा, जो कि इसका स्पीकर आपको मिलेगा, 13 mm का ड्राइवर आपको मिलेगा, जो कि बेस्ट है। ये मैंने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी था प्राइस के हिसाब से, प्राइस के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है ये आपको मिलेगा। और इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ब्लूटूथ 5.0 आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसका रेंज 10 मीटर तक सपोर्ट करता है। 10 मीटर के अंडर आप रहेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हद तक स्मूथ क्वालिटी आपको, बफरिंग नहीं देखने को मिलेगा आपको। इसे ओपन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा आपको और ये आपको 13 mm का ड्राइवर मिलेगा, जो कि इसका स्पीकर है। और आपको लेफ्ट साइड आपको अगर डबल टैप क्लिक करते हैं तो आपका जो ऑडियो है लेफ्ट राइट होता रहेगा। अगर 2 सेकेंड तक इसे टाइप करते हैं, जो फ़ोन का असिस्ट है वो ऑन हो जाएगा और उसे आप सर्च कर सकते हैं उससे कुछ। तो इसको हम साइड में करते हैं। तो चलिए बताते हैं इसका बैटरी बैकअप कितना है। तो
तो ये आपको बैटरी बैकअप 650 mAh बैटरी बैकअप आपको देखने को मिलेगा टोटल, जो कि इतना बैटरी है। और इसको चार्जिंग होने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और एक ईयरबड को चार्जिंग करने में कम से कम आधा घंटा लगता है। अगर एक यूज करते हैं तो 3 से 4 घंटे चलेगा, दूसरा यूज करते हैं तो मैं यानी कि 6 घंटे, दोनों अगर बारी बारी से यूज करते हैं तो 6 घंटे चले जाएंगे ये दोनों। और इसकी ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो ऑडियो क्वालिटी इसका बहुत ज़्यादा लाउडनेस नहीं है, नॉर्मल है, बेस ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसका उतना आवाज़ नहीं है, वोकल म्यूजिक वगैरह काफ़ी बेस्ट है इसका। फुल वॉल्यूम करके आप अपने ईयर में यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कम्फर्टेबल की बात करें तो ये पहले या दूसरे दिन अनकम्फर्टेबल महसूस होगा, उसके बाद आपको अच्छा लगने लगेगा ये। और इसके वॉल्यूम इंक्रीज़ की बात करें तो आप इस बटन से इंक्रीज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अपने फ़ोन से इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तो ये थोड़ा इसमें प्रॉब्लम है, तो आप इसे मैनेज कर सकते हैं। इसका कलर आप देख सकते हैं ब्लैक है, जो कि प्लास्टिक का है ये देख सकते हैं। अगर इस ईयरबड्स को आपको ऑन करना है तो इसको टैप करते रहना है कम से कम 4 सेकेंड तक, ये ईयरबड्स ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि लाइट इंडिकेट कर रहा है, तो इस तरीके से आप ऑन कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं। ये है एयरटॉप्स 131, तो ये कनेक्टेड हो चुका है, तो हम ऑडियो प्ले कर लेते हैं। कोई ऑडियो मोस्ट पॉपुलर यहाँ से लगा लेते हैं, ऑडियो फुल कर लेते हैं यहाँ से। और इसको 8 सेकेंड वेट करना पड़ेगा, 5 सेकेंड। इसका ऑडियो आप देख सकते हैं, ये है इसका साउंड टेस्ट। और ये साउंड टेस्ट है इसका, तो ऑडियो आप सुन सकते हैं ये कैसा है। और इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस 1000 के आसपास है, तो मैंने एक बिग बिलियन सेल में लिया, जो कि मुझे 750 का पड़ा है, तो काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। मैं इतना ही कहूँगा कि ये वैल्यू फॉर मनी है भाई, प्राइस के अकॉर्डिंग ये काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप पे आता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।